वर्तमान में हमारे देश में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86% तक है, जिनकी आमदनी काफी कम है, जिससे उनका जीविका उपार्जन काफी मुश्किल से होता है। कारण ये है कि ये किसान केवल थोड़ी सी जगह पर परंपरागत फसलें ही उगाते हैं, जिससे साल भर में मात्र 60 से 70 हजार रुपए ही ये कमा पाते हैं। अगर यही छोटे एवं मंझोले किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर मिश्रित खेती करें तो उनकी आमदनी 3,50,000 यानी 3.5 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली से न केवल मुनाफा अच्छा होता है, अपितु किसान एवं उनके परिवार को उत्तम पोषण युक्त खान पान तथा वर्ष भर रोजगार भी उपलब्ध रहता है। किसान लोग परंपरागत खेती की फसलों के साथ मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी तथा कुछ पशुओं जैसे बकरी, गाय और भैंस आदि को भी पाल सकते हैं। इस तरह की कृषि प्रणाली यानी मिश्रित खेती किसानों के लिए लाभदायक रहती है। आजकल की बदलती हुई जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के दौरान ये किसानों के लिए फसल सुरक्षा का काम करती है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात मौसम के उतार चढ़ाव में अगर एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरे घटक से इस हानि की भरपाई किसान कर सकता है। मिश्रित प्रणाली की खेती छोटे एवं मंझोले किसानों के लिए निश्चित रूप से उनकी आय को दुगनी करने में सक्षम होगी। किसान खुशहाल होगा तो देश निश्चित तौर पर समृद्ध होगा।